माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर गेल्या काही दिवसांमध्ये विविध प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. मात्र छगन भुजबळ यांनी आपल्यावरचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. कॅबिनेट सब कमिटीनं निर्णय घेतला असताना एकालाच का टार्गेट केलं जात आहे असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी रौनक कुकडे यांनी. पूर्व मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल पर अलग अलग मामलों में एफआईआर जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज की है. हमारे साथ बात करने के लिए खुद छगन भुजबल साहब मौजूद है. भुजबल साहब, दो अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की है, क्या है पहली प्रति? क्या ना, अभी दो किए हैं, अब इस ढंग से चलता रहेगा और यही रवैया होगा तो और भी दर्ज करेंगे. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये दोनों जो है प्रस्ताव जो है वो बीओटी के प्रस्ताव है या SRA के प्रस्ताव है, इनका अंतिम निर्णय जो है कैबिनेट सब कमेटी ने लिया हुआ है. और ये प्रस्ताव कुछ एक दिन में नहीं पारित हुआ है, दो दो तीन तीन साल एक एक प्रस्ताव चला. लेकिन भुजबल साहब, इतनी सब पारदर्शिता होने के बावजूद आप पर FIR दर्ज किया जाता है, तो क्या ये सब राजनीति से प्रेरित? गलत है, ये गलत है. अगर ये ऐसा ही हुआ तो सारे देश में सारे राज्यों के मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल की सब कमेटी करीबन एक ही अधिकार उसको है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी है और मुख्यमंत्री है, उनको अधिकार है. वो कितने भी अगर किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन लिया वो भी ओवर रूल करने का अधिकार मंत्रिमंडल को है. तो अगर ये मंत्रिमंडल सब कमेटी ने लिया हुआ निर्णय किसी एक गलत तो कुछ है भी नहीं वैसे, और उसके लिए कुछ ना कुछ निकाल के जो है एक मंत्री के ऊपर तुम FIR करते हो, तो जितने सारे जो है सेक्रेटरी ने वो प्रस्ताव देखा होगा, जितने सारे मंत्री हो गए, जो मुख्यमंत्री हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, उन्होंने मंजूर क्यों किया? और जब वो गलत था तो वो भी गलत थे. फिर भुजबल साहब, FIR दर्ज हुई है तो गिरफ्तारी भी होगी आपके, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की आपने, कुछ बताने की कोशिश की, क्या कहना था? अभी हम क्या उसको, हमने इतना ही कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, ये कैबिनेट के डिसीजन के ऊपर जो है आज सब काम होने के बाद तुम उंगली उठा रहे हो. दिल्ली में इतना अच्छा खासा महाराष्ट्र सदन खड़ा हो गया, एक अभिमान सबको लगता है, ऐसी बिल्डिंग तैयार हो गई और इसका जो है मुझे खामियाजा भुगतना पड़ता है. मैंने कहा, बोले कि ठीक है देखेंगे, ऐसा वैसा भी इसके बारे में क्या कहूँ. किसी भी तरह की कोई कार्रवाई के लिए आप तैयार हैं अगर गिरफ्तारी हो? अब तैयार रहना ही होगा ना, अब क्या करें, अभी वो कार्रवाई करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? परिवार को भी टारगेट कर रहे हैं? हाँ तो कर ही रहे हैं ना सब लोगों को टारगेट, तो लड़ेंगे. हमारा आज भी जो है न्याय देवता पर विश्वास है. रौनक कुकड़े, जी मीडिया, मुंबई. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.